हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया शर्मा हेल्दी बाइट्स पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज बनाएंगे हम गाजर का हलवा। आज जो हम गाजर का हलवा तैयार करेंगे वो बहुत जल्दी तैयार होगा। हम बिना घी से गाजर का हलवा तैयार करेंगे। यहाँ पर करीब 1 किलो गाजर मैंने ली है और इन्हें धोने के बाद मैंने छील लिया है। और अब हम इन्हें मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। बिल्कुल रफली हमें चॉप करना है। आज जो हम हलवा तैयार करेंगे, हम बिना दूध के हलवा तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से आप सारी गाजर चॉप कर लीजिए। और अब हमें एक प्रेशर कुकर में सारी गाजरें डाल लेंगे और बिल्कुल एक थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच के करीब, और 2 या 3 विसल हमें लगा लेनी है इसके अंदर। आपको गाजर का हलवा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। और इस वाली रेसिपी से एक बार ज़रूर बनाइए आप गाजर का हलवा, बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए, अभी हमारी गाजरें बॉयल हो चुकी हैं और अब हम इन्हें मैश कर लेंगे। बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है हमें। अब यहाँ लेंगे हम एक कढ़ाई और जो गाजर हमने मैश की है वो सारी हम कढ़ाई में डाल लेंगे। और अब कढ़ाई को हम गैस के ऊपर रखेंगे और गैस का फ्लेम हमें तेज़ रखना है और लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। कढ़ाई के तले में पानी चेक करते रहें जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। देखिए, ड्राई हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मैंने यहाँ करीब 150 ग्राम चीनी डाली है। चीनी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, चीनी डालने के बाद भी गाजर पानी छोड़ेगी तो हमें दोबारा इसको अच्छे से ड्राई करना है और तेज़ गैस ही रखेंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे। जब बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। देखिए, इसमें देसी घी ही डालना है, आप तेल ना डालें। और अच्छे से इसे भून लें। ये बिल्कुल ड्राई हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई इलायची का पाउडर। अब यहाँ पे मैंने डाली है 3 लौंग। इनको मैंने बिल्कुल बारीक कूट लिया है। लौंग डालने से हलवा हमें कभी नुकसान नहीं देता। और ये अब ठंडा होने के बाद इसमें मिक्स करेंगे हम खोया। ये मेरा घर का खोया है। खोए को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई लम्स इसमें ना रहे। देखिए, जब आप खोया हलवे में मिलाएंगे तो पहले गाजर को ठंडा कर लें, नहीं तो वो फिर दोबारा से पानी छोड़ जाएगा। ठंडा होने के बाद ही इसमें खोया मिलाएं। और अब इसमें मिलाएंगे चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। अब हम इस हलवे को एक बाउल में निकालेंगे और बारीक चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट से हम इसे गार्निश करेंगे। यदि आपको मेरे हलवे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।